गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल गरिमा जीजी ब्लॉगर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, ठीक है, और खाना वाना भी खा लिया है मैंने। अब ध्रुव भैया ने एक सरप्राइज़ देने वाले हैं आपको, मुझे वो सरप्राइज़ पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आगे चल के ब्लॉग को देखो। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ पॉपकॉर्न। ये ले लिया मैंने कुकर, ये कैसे दिखाऊं, ले लिया कुकर और सीजर। जब खुद रसोई में कुछ बनाते हैं ना तब ऐसे ही होता है। और लगता है ऐसा है कि बहुत कम है और वो बन बहुत आते हैं। इतने मैंने ले लिए हैं और कभी भी आप पॉपकॉर्न बनाएं तो ढक्कन को सीधा मत रखना, ऐसे उल्टा रख देना और जिससे कि वो निकलेंगे भी नहीं। फ्रेंड्स तो ये बनने लगे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ध्रुव का ना ये रहा पहला एक्सपीरियंस उसका ये बनाने का। पॉपकॉर्न सारे उसने जला दिए, ठीक है, उसने ना तो ये बताया कि आवाज़ हो रही है या नहीं हो रही, और सारे जला के रख दिए। तो उसने पहली बार ऐसे पॉपकॉर्न बनाए भाई, मैं तो इसमें से एक भी नहीं खाने वाली। अब देखते हैं क्या होता है, वही खाएगा मुझे शायद से। फ्रेंड्स अभी जलाओं को देख करके मना कर रही थी और जले जले सारे ख़त्म हुए, एक दो रह गए, उन्हें मैं ही खा रहा हूँ और ये खाने लग गए। देखो मैं तो जले की मना करी थी ना, जो अच्छे थे उनकी मना तो करी नहीं थी। सो गाइस मैं ना वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो रही हूँ और थोड़ा सा चल रहा है मेकअप, और बाहर ना मुझे लग रही थी गर्मी तो मैंने एक छोटा वाला मिरर लेके आई हूँ, तो वहीं पे मैं मेकअप कर रही हूँ। तो चलो आपको दिखाते हैं, अभी तक मैंने उनके कंसीलर लगाया है। यस गाइस, तो उसके बाद मेरा फाउंडेशन रेडी हो गया, मैंने डब डब भी कर लिया। ओके ये मेरा फाउंडेशन है। और अब ना मुझे ब्लश सूट नहीं करता भाई, तो मैंने बाजार से लिपस्टिक लेकर के आई थी, तो मैं इसे ब्रश के रूप में लगाती हूँ। मेरे ब्रश से काफ़ी जल्दी रेड रेड फेस हो जाता है, तो मैं इसे लगाती हूँ और फिर मैं उसके बाद में उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है। और इससे ना मेरा ज़्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, अगर कम होता है तो मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। तो गाइस आई एम रेडी, कैसी लग रही हूँ गाइस प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। ओके और भाई ये है अपना ब्लैक और ये है अपना ग्रीन, दोनों पर देंगे भाई। और ये है रिंग लाइट, ये रखी मेरी प्यारी साइकिल। हम इसे यहीं पे रख लेते क्योंकि स्टोर में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो गाइज़ प्लीज़ बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके और अपना वीडियो शूट कर लें भाई, पापा जी हैं नहीं यार, पता है पापा जी ना दिल्ली गए हैं किसी काम से, पापा जी हैं नहीं, वरना मैं उनके फ़ोन से वीडियोस बनाती हूँ और इससे मैं ब्लॉग शूट करती। मुझे वीडियोस भी इसी से बनानी पड़ेंगी, ब्लॉग शूट भी इसी से करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊँगी कि वीडियोस की शूटिंग कैसे चल रही है। पापा जी वीडियोस बनाई रही थी तभी मम्मा की बीच में से आवाज़ आई कि दोनों छोटे छोटे बच्चे में यानी मैं और मेरा भाई दोनों आओ, है ना। और पता है किस चीज़ के लिए बुलाया, ये देखो भाई, ये ना हमारे पास छोटे से कपड़े हैं जो पहले थे, ठीक है, और ये पूरा बेड भर गया भाई मेरे पापा जी के, दीदी के तो सारे कपड़े मेरे पे आ गए और भाई के। हम तीनों दुनिया में ठीक है, ये देखो ये सारे कपड़े हैं और इनमें से मम्मी पूछ रही कि जो तुम्हारे बनता है वो बताओ, जो नहीं बनता वो हमें जो काफी काफी जो बच्चे आते हैं ना उन्हें दे देंगी मम्मा। काम के ये फ्रॉक तो मैं नहीं पहन रही मम्मी, ये मेरे टाइम टोपी देख कितनी बड़ी है। हाँ ठीक है अब जाओ, चलो ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं लंबी हो चुकी हूँ तो ये मेरे काम का नहीं। हाँ ये इसका एक तो वो खो ही गया, एक जीरा। हाँ ये भी है, जेमी ने पेनी दे दो इसको भी। नो दे दो मुझे कोट भी, कोट कोट अभी रखे रहने दो, कोट अभी देख। सो गाइस फाइनली वीडियोस कंप्लीट हो गई, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन अभी ना मुझे दीदी के साथ थोड़ा सा काम से जाना है बाहर, तो अभी मुझे मेकअप रिमूव करना है। वैसे तो मैं आराम आराम से करती लेकिन अब मुझे दीदी की वजह से काफ़ी जल्दी रिमूव करना पड़ेगा। देखो गाइज मम्मी पूछ रही थी कि दीदी खाना कैसे खा रही है, वो तो चुंग रही होगी। हाँ। नहीं गाइज देखो क्या होता है, मैं वैसे देखो एक करेला, दूसरी तोरई, तीसरी फरी, चौथी भिंडी, पांचवी मिर्च, पांच सब्जी, छठा खीरा और सातवीं रोटी, सात चीजें से खा रही है पर मैं खा एक से रही हूँ, लेकिन मैं पनप नहीं रही है, क्या करें हमें क्या बताया, एक से खा रही है, झूठ बोल रही हो तो एक दाल रही फिर। हाँ एक दाल हो रही, मैंने क्या किया दाल, वो
मैं वैसे थाली में तो रखी है ना, करेले की सब्जी खाती नहीं हूँ क्योंकि उसके शेप से ना मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं उसे खाती नहीं। पर आज मैं उसे लेके आई तो मुझे अच्छी लगी, टेस्टी लगी, पर उसके वो मसाला होता है वो खा लिया, और करेला नहीं खाया मैंने। और ये तोरे की सब्जी भी है वो थोड़ी सी टेस्ट की तो वो नहीं खाई मैंने। सोचा आज, वैसे मैं एक ही सब्जी लाती हूँ, पर मैंने सोचा आज सारी लेके चलते हैं, सारी टेस्ट करते हैं, बट खा मैं एक सब्जी से रही हूँ, सारी रखी है ऐसे। तो ये ऐसे झूठ बोलती रहती है, ठीक है मुझे भी खाना खाना पाए, फिर तुम्हारा खीरा।